असल स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज हम कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2.6 एंड 2.7 तो लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 पॉइंट सिक्स विच स्टेट दैट गिवन दैट वैक्टर ए विच इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड वैक्टर बी इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी विच इज इक्वल टू द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड वेक्टर डी विच इज इक्वल टू थ्री ए माइनस टू बी तो स्टूडेंट्स इस नोमेरिकल में वेक्टर ए गिवन है वेक्टर बी गिवन है इन दोनों वेक्टर्स की मदद से हमने वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है सिमिलरली इन्हीं दोनों वेक्टर्स की मदद से हम वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे तो स्टूडेंट्स वी हैव ओनली टू वैक्टर्स वेक्टर ए विच इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप एंड वैक्टर बी विच इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप नाउ स्टूडेंट्स डेटा लिखने के बाद अगर हम टू फाइंड की बात करें केस न्यूमेरिकल में हमने क्या फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वेक्टर सी की बात करते हैं हमें सी का मैग्नीट्यूड चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ये कैलकुलेट करना है एंड देन स्टूडेंट्स हमने सी की डायरेक्शन भी फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ सी इज आल्सो अननोन और स्टूडेंट्स अगर पार्ट बी की बात की जाए पार्ट बी में हमने वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इज मिसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज आल्सो मिसिंग तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं इस िकल के सोल्यूशन को स्टूडेंट्स वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले वेक्टर सी को फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला गिवन है वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों वेक्टर्स की वैल्यूज को पुट करें वेक्टर ए की वैल्यू है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप तो स्टूडेंट्स टू आई कैप प्लस थ्री आई कैप वी विल गेट फाइव आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर जे कैप वी विल गेट माइनस वन और सिंपली माइनस जे कैप तो स्टूडेंट्स वेक्टर सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है नाउ आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट द स्क्वेयर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वेयर ऑफ वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट है फाइव इसका स्क्वेयर आएगा प्लस वाई कंपोनेंट है माइनस वन उसका स्क्वेयर आएगा तो स्टूडेंट्स स्क्वेयर ऑफ फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन वी विल गेट स्क्वेयर रूट ट्वेंटी सिक्स तो स्टूडेंट्स वेक्टर सी का फाइनल मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया है जब हम स्क्वेयर रूट ट्वेंटी सिक्स को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा फाइव पॉइंट वन दिस इज द मैग्नीच्यूड ऑफ वैक्टर सी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी मोड के साथ नाउ स्टूडेंट्स अब हम सी की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स फोर डायरेक्शन ऑफ वैक्टर सी सबसे पहले हम फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फाइ इज इक्वल टू टेंजेंट इन वर्स द वाई कंपोनेंट ऑफ वैक्टर सी डिवाइडेड बाय द एक्स कंपोनेंट ऑफ वैक्टर सी तो स्टूडेंट्स जब हम वैल्यूज पुट करेंगे टेंजेंट इनवर्स द वाई कंपोनेंट ऑफ वैक्टर सी इज माइनस वन आप यहां पर देख सकते हैं लेकिन जब हम इस फॉर्मूला में सी वाई और सी एक्स की वैल्यूज को पुट करेंगे हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे तो स्टूडेंट्स सीवाई की वैल्यू है प्लस वन सी एक्स इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी विच इज इक्वल टू फाइव तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या आया टेंजेंट इनवर्स वन डिवाइडेड बाय फाइव तो स्टूडेंट्स जब हम कैलकुलेटर की मदद से टेंजेंट इनवर्स वन डिवाइडेड बाय फाइव को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इलेवन डिग्री स्टूडेंट्स ये तो फाइव की वैल्यू है लेकिन हमें तो चाहिए थीटा की वैल्यू विच इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी तो स्टूडेंट्स देखते हैं थीटा का फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के साइन क्या हैं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है वेक्टर सी का वाई कंपोनेंट नेगेटिव है तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर सी किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा जब एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो और वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इट इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस फाइव तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम 360 में से फाइव की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो so स्टूडेंट्स 360 डिग्री माइनस इलेवन डिग्री वी विल गेट 349 डिग्री विच इज द फाइनल वैल्यू ऑफ थीटा तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस नोमेरिकल के फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया है जिसमें हमने ना सिर्फ वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड की है बल्कि हमने वेक्टर सी की डायरेक्शन यानी के थीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली हम वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे नाउ स्टूडेंट्स वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले वेक्टर डी को कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला डाटा में गिवन है एज वेक्टर डी इज गिवन विच इज इक्वल टू थ्री ए माइनस टू बी नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस फॉर्मूला में वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यूज को पुट करें तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए की वैल्यू क्या है वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस टू टाइम्स वेक्टर बी और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप तो स्टूडेंट्स थ्री ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा थ्री टू दिक्स सिक्स आई कैप थ्री थ्री द नाइन नाइन जे कैप नाउ ऑफ स्टूडेंट माइनस टू ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस टू थ्री दिक्स सिक्स माइनस सिक्स आई कैप माइनस माइनस प्लस टू फोर द एट एट जे कैप नाउ स्टूडेंट्स अब हम सिमिलर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे सिक्स आई कैप माइनस सिक्स आई कैप तो स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो हम रिजल्टेंटली लिखेंगे जीरो आई कैप नाउ स्टूडेंट्स प्लस नाइन जे कैप प्लस एट जे कैप वी विल गेट प्लस सेवनटीन जे कैप तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने वेक्टर डी को फाइंड किया है विच इज इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस सेवनटीन जे कैप नाउ स्टूडेंट्स अब हम वेक्टर डी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट के अंदर हम एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे देन वाई कंपोनेंट का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स जैसे कि डी का एक्स कंपोनेंट जीरो है तो ज़ीरो का स्क्वायर भी जीरो आएगा तो स्टूडेंट्स जीरो को इग्नोर करने के बाद अगर हम सेवनटीन के स्क्वायर को फाइंड नहीं करते तो स्टूडेंट्स सेवनटीन का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और फाइनली डी का मैग्नीट्यूड आएगा सेवनटीन नाउ स्टूडेंट्स डी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के बाद अब हम वेक्टर डी की डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम फाइव की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव विच विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी डिवाइडेड बाय द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी तो स्टूडेंट्स जब हम इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी इज 17 एंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी इज जीरो तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट आता है इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड तो स्टूडेंट्स टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी किस एंगल पे आती है यानी कि जब हम टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री तो स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर फॉर एंगल फाइव बट स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर डी को एनालाइज करें तो वेक्टर डी का एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और वेक्टर डी का वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी इज पॉजिटिव द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी इज आल्सो पॉजिटिव इट मीन दैट जब वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हों तो रिजल्टेंट वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइव ही के इक्वल होती है हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू तो फाइव और स्टूडेंट्स फाइव की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 90 डिग्री तो स्टूडेंट्स हमने वेक्टर डी की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर लिया है तो स्टूडेंट्स अगर हम रिजल्ट की बात करें the magnitude of vector c is equal to 5.1 the direction of vector c is equal to 349 degree the magnitude of vector d is equal to 17 एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू 90 डिग्री तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 2.6 का सॉल्यूशन स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेवन विच स्टेट्स दैट फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेक्टर ए इज इक्वल टू फाइव आई कैप प्लस जे कैप बट वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप स्टूडेंट्स इट इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बट इट इज इंपॉर्टेंट तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल के सोल्यूशन को सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं वी हैव ओनली टू वैक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वैक्टर ए इज इक्वल टू फाइव आई कैप प्लस जे कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस फॉर जे कैप स्टूडेंट्स अगर हम टू फाइंड की बात करें कि वट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यू मेडिकल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बिट्वीन वैक्टर ए एंड वैक्टर बी तो स्टूडेंट्स अगर उस एंगल को हम थेटा से रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वैक्टर बी और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से इट इज अनोन नाउ स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी टू वेक्टर्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे विच स्टेट्स दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोज थीटा तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूला से हम कोस थीटा को सेपरेट करें तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इक्वेशन वन कह सकते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आप इक्वेशन वन को देखें इक्वेन तो वन हमें क्या कह रही है कि अगर हम कोस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू फाइव आई कैप प्लस जे कैप डॉट टू आई कैप प्लस फोर जे कैप नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डॉट प्रोडक्ट में यह चीज सीखी थी कि जब भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम दो वेक्टर्स का तो वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फर्स्ट वेक्टर में फाइव सेकेंड वेक्टर में एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है टू फाइव मल्टीप्लाई बाय टू टेन और स्टूडेंट्स i डॉट आई की वैल्यू वन होगी उसको लिखने की जरूरत नहीं है सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट वेक्टर के j कंपोनेंट की बात की जाए यानी कि y कंपोनेंट की बात की जाए तो उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट दैट कि j कंपोनेंट की वैल्यू क्या है वन और अगर सेकेंड वेक्टर की बात की जाए तो y कंपोनेंट की वैल्यू क्या है फोर तो फोर वंस दे डॉट जे वन आएगा तो स्टूडेंट्स टेन प्लस फोर इज इक्वल टू फोर्टीन तो यहां तक हमने ए डॉट बी की वैल्यू कैलकुलेट की है नाउ स्टूडेंट्स अब हम वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे विच इक्वल टू स्क्वेयर रूट देन वी विल फाइंड द स्क्वेयर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस द स्क्वेयर ऑफ वाई कंपोनेंट तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स और स्टूडेंट्स अगर हम अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स को फर्दर सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा फाइव पॉइंट वन नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली हम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा बी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट स्क्वेयर ऑफ टू प्लस स्क्वेर ऑफ फोर तो स्टूडेंट्स B का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वेयर रूट फोर प्लस सिक्सटीन स्क्वेयर रूट फोर प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू ट्वेंटी और अगर हम ट्वेंटी को फर्दर सॉल्व करें तो हमारा फाइनल आंसर आएगा फोर पॉइंट फाइव नाउ स्टूडेंट्स अब हम ए डॉट बी की वैल्यू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वन हम लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू फोर्टीन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव पॉइंट वन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू फोर पॉइंट फाइव तो स्टूडेंट्स जब हम इस सारी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा जीरो पॉइंट सिक्स वन विच इज इक्वल टू कोज थीटा लेकिन स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में तो हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कोस को इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे और कोज बन जाएगा कोज इनवर्स तो स्टूडेंट्स अगेन जब हम कैलकुलेटर से कोज इनवर्स जीरो पॉइंट सिक्स वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा का फाइनल आंसर आएगा फिफ्टी टू डिग्री इट मींस दैट स्टूडेंट्स दोनों वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान एंगल थीटा की वैल्यू है 52 डिग्री तो स्टूडेंट्स ये था सेवेंथ नोमेडिकल का सोल्यूशन जी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों नोमेडिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज